गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सारे नु भाई, की हाल चाल? वधिया, सारे एकदम तंदुरुस्त हो? फैमिली बढ़िया है? बच्चा कह रहा है सर बहुत बढ़िया है। कल पता है आपको इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल दी। अच्छा, कब निकाली है? एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं? ओ माय गॉड, बच्चा कह रहे हैं हाँ सर हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो मैंने कल भी कहा था नालायकों, एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, पढ़ाई पोस्टपोन नहीं करनी। अच्छा, मैं दो लाइनें बोलूंगा, ठीक है? मैं बोलूंगा चलते जाओ चलते जाओ, आपने चैट बॉक्स में लिखना है रुकना हमारा काम नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर आज हम सैलरी के एमसीक्यूज करेंगे, बस दो बार बोलना है आपने। मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं? चलते जाओ, आपने चैट बॉक्स में क्या लिखना है रुकना हमारा काम नहीं, ठीक है जी? चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलते जाओ रुकना हमारा काम नहीं, चलते जाओ रुकना हमारा काम नहीं। ओ माय गॉड, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, क्यूट क्यूट से। चलो जो सुना ध्यान से रही, आज हमें सैलरी के एमसीक्यूज करने हैं। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 22 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। जिन जिन बच्चों के पास सैलरी के एमसीक्यूज नहीं है, फटाफट से दौड़ के चप्पल छोड़ के टेलीग्राम चैनल पे जाओ जी, वहां से डाउनलोड कर लो। आज हमें वो एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं और आज हम सैलरी के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं। मैंने कल आपको वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि जो मैंने टिक मार्क किए हुए ना, जो मेरे टिक मार्क वाले हैं वो सारे आज हम करेंगे। जो विदाउट टिक मार्क वाले हैं उसके आंसर मैं आपको दे दूंगा, एक बार अपने आंसर आप चेक कर लेना जी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो सारे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। एक ना एक बच्चा कहता है सैलरी की रिवीजन तो कराई नहीं विवेक सर ने, एमसीक्यूज पहले करवाने लग गए। और मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, सैलरी की 4-5 रिवीजन क्लास चल चुकी है। मेरे ख्याल से 4 रिवीजन क्लास चल चुकी है। 4 रिवीजन क्लास मैंने सैलरी की डाल दी है। एक बार पहले वो रिवीजन क्लास देख लेना, उसके बाद फिर आपने एमसीक्यूज करने। ऐसे बुरा मत बोला करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। हाँ इधर देखो ध्यान से री। चलो री, तो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज जी। ये एमसीक्यूज आपके सामने है जी, मेरे ख्याल से आपके पास होंगे। आंसर मैंने इसके दिए नहीं थे, आंसर आज हम वन बाय वन करेंगे। और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो खत्म हो जाएगी कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर जिस बच्चे के सारे सही है ना सर, वाकई वो बच्चा कमाल कर रहा है जी, सही बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से बन जाए आप गलती नहीं करके आओगे अगर आपके सारे एमसीक्यू सही निकल रहे हैं। हाँ अगर 3-4 गलत हैं फिर चेक करना गलती हुई कहाँ पे है। और अगर कई नालायक बच्चों के 50% से भी ज्यादा गलत हैं तो इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा मौका और दिया है, अभी भी टाइम है, तैयारी बड़े ढंग से कर लेना, एग्जाम जरूर निकालने, इस बार ध्यान रखना, ठीक है? आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहे हैं जी, मिस्टर अनिरुद्ध स्टे इन न्यू दिल्ली। मिस्टर अनिरुद्ध है वो कहाँ पे रह रहे हैं जी? वो रहने वाला है नई दिल्ली का। उसकी बेसिक सैलरी जो है 10,000 पर मंथ है। डीए है 60% फ्रॉम पार्ट ऑफ पे, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, मतलब उटोए वाला। डीए कितना है? 60% है उसका। डीए टोटल दिया हुआ है 6,000 पर मंथ, टोटल डीए जो है वो 6,000 पर मंथ है और उसका 60% जो है वो उटोए वाला है। फिर वो कह रहे हैं एचआरए है जी 5,000 पर मंथ है एंड ही इज एंटाइटल टू ए कमीशन 1% ऑन द टर्नओवर अचीव बाय हिम। अनिरुद्ध पे ए रेंट ऑफ 5,500 पर मंथ, द टर्नओवर अचीव बाय हिम ड्यूरिंग द करंट ईयर दैट इज 12 लाख, द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। कह रहे एग्जम्प्ट कितना है वो बता दो जी। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर मुझे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन किसका है? नालायको एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हमारा एचआरए का है। याद करो जो हमने सैलरी की रिविजन की थी, एचआरए के अंदर मैंने कहा था कि एचआरए में एग्जम्प्ट क्या होगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला क्या होगा, जितना एचआरए मिला वो। सेकंड क्या होगा, रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा क्या होगा, अगर मेट्रो सिटी में तो 50% ऑफ सैलरी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है क्या न्यू दिल्ली, क्या दिल्ली मेट्रो सिटी में कवर है या नहीं है? बिल्कुल है, तो 50% लेंगे। अब मुद्दा ये आ रहा है कि सैलरी का मतलब क्या है, मेरी पूरी क्लास आवाज मार दे, सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उटोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। एक बार दोबारा बोलो, सैलरी का मतलब क्या था? बेसिक सैलरी प्लस में डीए उटोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब एक बार चेक करना जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। पहला यहाँ पे कितना आएगा री, जितना हमें एचआरए मिला, एचआरए कितना मिला 5,500 रुपए, तो पहले पॉइंट में आ गया 5,500 रुपए। फिर दूसरा गवर्नमेंट कह रही थी रेंट पेड, अब रेंट मैंने कितना पे किया, सॉरी एचआरए मुझे मिला 5,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 और रेंट पेड मेरा है 5,500। अब रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, ऐसा करते हैं सैलरी निकालते हैं। सैलरी आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है, अपने बोल देना डीए लेना उटोए वाला, तो क्या मैं डीए पूरा 6,000 लूंगा? बोलो फटाफट से, क्या मैं डीए पूरा 6,000 लूंगा? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर, डीए पूरा 6,000 नहीं लेना,
6000 का अगर मैं 60% निकाल दूंगा, दैट इज 3600, तो ये मुझे डीए लेके चलना है, तो 3600 जो होगा ये मेरा डी आएगा। फिर कमीशन मैं कितनी लूंगा जी, अगर 12 लाख रुपए, अगर 12 लाख रुपए है उसका 1% कितना आ गया जी, 12000 रुपए। अब ये 12000 रुपए एक साल की है, अब अगर 12000 रुपए एक साल की है तो 1 मंथ कितनी आएगी जी, 1000 आएगी, तो कमीशन आएगी 1000 रुपए। टोटल मेरी सैलरी आ गई 14600 रुपए, ये मेरी सैलरी निकल के आ गई। अब अगर सैलरी मेरी 14600 रुपए है उसका अगर मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा जी, 1460। उसके बाद तीसरे में आएगा 50% ऑफ सैलरी। अब अगर सैलरी का 50% निकालूंगा तो एक बार चेक करो, 14600 का 50% कितना आएगा जी, ये आएगा 7300। ठीक है, अब एक बार सेकंड पॉइंट निकालना, 5500 माइनस में 1460 कितना आ रहा जी, 4040। फटाफट से बोल दो, विच एवर इज लेस कौन सा है जी, इनमें से विच एवर इज लेस कौन सा है, 4040। तो अगर मैं 4040 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 48480। आंसर क्या निकल जाएगा जी, 48480। तो एक बार चेक कर लो इनमें से सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो पहले का आंसर बनेगा ए। क्या कह रहे हो, क्या नाम है आपका, नाम पहले बताओ, नाम कह रही है आपका प्रीति। प्रीति कह रही है सर मुझे ना कमीशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे शोनू, एक बात मुझे बताओ, कमीशन वाले पॉइंट में है क्या? कमीशन उसने बोला 1% टर्नओवर है, अगर टर्नओवर 12 लाख रुपए है उसका 1% निकालोगे 12000, ये 12000 पे एक साल की है, हमें निकालनी है मंथली, तो मंथ में कितना आएगा, 12000 को अगर 12 से डिवाइड करूंगा तो 1000 पर मंथ आ जाएगा, क्योंकि हम सैलरी मंथली निकाल रहे हैं ना। अगर हम सैलरी मंथली निकाल रहे हैं तो कैलकुलेशन मंथली बेस पे होगी, अगर आपको कैलकुलेशन एनुअल बेस पे करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सैलरी को भी फिर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डीए को भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कमीशन आपका पूरा 12000 पे आएगा। कई नालायक बच्चे होते हैं सर, वो पता क्या करते हैं, सैलरी लेंगे 10000, डीए लेंगे 3600, कमीशन पूरा 12000 ले लेंगे। अब ऊपर लिया आपने मंथली, कमीशन ले लिया एनुअली, काम तो गलत हो गया ना। तो अगर आपने मंथली सैलरी ली है और मंथली ही डीए लिया है तो कमीशन भी आपको मंथली लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान देना, एग्जाम में गलती मत करके आना सर। यहाँ पे 14600 उसका 10% 1460, तो 5500 रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 4040। लिस्ट क्या बनेगा, 4040, अगर उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48480, इतना एचआर मेरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसने मुझसे टैक्सेबल नहीं मांगा, अगर वो कहता ना टैक्सेबल कितने, हाँ जी फटाफट से आंसर देना, अगर वो कहता टैक्सेबल कितने हैं तो आंसर क्या आता, फिर 5000 में से अगर मैं ये माइनस करता तो बैलेंस क्या बन जाता, टैक्सेबल। तो उसने टैक्सेबल नहीं मांगा, उसने कहा एग्जम्पशन कितनी होगी बस ये बता दो। तो एग्जम्पशन आप सब जानते हो, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, तो लीस्ट मेरा क्या रहा है, 4040, उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर आएगा जी। सही है सबके आंसर, पक्का पक्का। कुछ बच्चों के गलत हैं, जिनके गलत हैं पता लग गया जी गलती कहां पे है, आगे से तो गलती नहीं करोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, जो हम स्टूडेंट दरबार में एमसीक्यूज कर रहे हैं आपको दिखा दूंगा, आपके एग्जाम में बहुत सारे एमसीक्यूज सेम बनेंगे जी। फिर मत कहना कि सर हमने दरबार अटेंड नहीं किए थे, ठीक है। अगले आओ जी क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है। वो कह रहे हैं वेयर देयर इज ए डिसीजन टू इंक्रीज द डीए इन मार्च 21, मतलब डिसीजन जो है वो मार्च 21 में आ गया डीए के इंक्रीज होने का, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19, एंड द इंक्रीज डीए इज रिसीव्ड इन अप्रैल 21, द इंक्रीज इज टैक्सेबल। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, आपको मैंने सेक्शन 15 करवाया था, मैंने कहा था सैलरी टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब यहां पे ड्यू हो चुका है मार्च 21 में, सर ड्यू हो चुका है मार्च 21 में, रिसीव हुआ अप्रैल 21 में, तो पहले क्या है, रिसीव है या ड्यू है, ड्यू है। और अगर ड्यू पहले है तो टैक्सेबल कब होगा, ड्यू के टाइम पर, तो अगर मार्च 21 में ड्यू हुआ, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021। आप में से कई नालायक बच्चे होंगे, वो पता क्या सोचते होंगे, सर रिसीव तो हमें अप्रैल 21 में हुआ ना, अगर रिसीव आपका अप्रैल 21 में है बट अगर ड्यू उससे पहले हो चुका है तो फिर वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। आपको मैंने सेक्शन 15 के अंदर कहा भी था कि ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो अगर ड्यू आपका मार्च 21 में है, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, तो टैक्सेबिलिटी कब होगी, वो 2021 में होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जी। सबका सही है, लो जी फिर हाईफाई करो, आगे आओ हाथ करो, आगे हाथ करो, नलायक फटाफट से हाथ आगे करो, मुंह पे लग जाएगा हाथ आपके, येलो जी, ठीक है जी। दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हो चुके हैं, पक्का पक्का। और जिन बच्चों की गलत है चेक करिए गलती कहां पे है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है ना,
इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा। देखना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहे आनंद इज प्रोवाइडेड विद फर्नीचर द वैल्यू ऑफ 70,000 अलोंग विद हाउस फ्रॉम फेब्रुअरी 2020। द एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय हिज एम्प्लॉयर फॉर द हायर ऑफ फर्नीचर इज 5,000 पर एनम। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्लूडेड अलोंग विद वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। वो कहना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ध्यान से पढ़ना, वैल्यू ऑफ फर्नीचर टू बी इंक्लूडेड अलोंग विद वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, मतलब फर्नीचर की आप कितनी वैल्यू ऐड करोगे अनफर्निश्ड आरएफए में, वो ये पूछना चाह रहे हैं। अब कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर फेब 2020 में दिया, तो अगर फेब 2020 में दिया मार्च में साल खत्म होगा, तो फेब और मार्च दो ही महीने तो होंगे ना, तो कैलकुलेशन दो ही महीने की तो होंगी। आपने क्लास में कहा था जितने महीने का बेनिफिट होगा उतने महीने की कैलकुलेशन होगी, बट यहाँ पे आंसर तो दिया ही नहीं है। आप जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेरा मन करता है आपको पास बिठा के ना बहुत सारा प्यार करूं। नालायक, एक बात मुझे सोच के बताओ, उसने कहा है असेसमेंट ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 21-22 मींस, जल्दी बोलो, असेसमेंट ईयर 21-22 मींस प्रीवियस ईयर 2021। और अगर प्रीवियस ईयर 2021 की बात करूंगा, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021। और उसने दिया कब है जी, फेब 20 में दिया है, मतलब फेब 20 मींस 1920 में दिया है। तो अगर मैं 1920 की कैलकुलेशन की बात करता, उस साल में दो महीने कैलकुलेट करते। सर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 2020 मत जाओ, वो कह रहा है फेब 2020। फेब 2020 मींस प्रीवियस ईयर 1920, और प्रीवियस ईयर 1920 में दो महीने की कैलकुलेशन होगी, बट हमें 1920 की नहीं बतानी, हमें बतानी है 2021 की। तो प्रीवियस ईयर 2021 में तो पूरा साल आएगा, और पूरे साल का किराया कितना पे कर रहे हैं 5,000, तो 5,000 जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कहता है सर यहाँ पे क्या 70,000 का 10% नहीं करेंगे? एक बात मुझे सोच के बताओ सर, 70,000 का 10% क्यों करोगे? याद करो आरएफए के अंदर मैंने कहा था अगर फर्निशिंग आइटम वो कहीं से लेकर देगा, तो जो एक्चुअल चार्जेस होंगे वही आपके हाथ में टैक्सेबल होंगे। तो उसने क्या बोला कि फर्नीचर उसने कहीं से लेकर दिया ना, तो चार्जेस कितने पे कर रहा है 5,000, तो 5,000 आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो गलती से भी यहाँ पे 70,000 का 10% मत कर देना सर, वो तब करते हैं अगर फर्निशिंग आइटम खुद की होती, उसकी वैल्यू 70,000 होती, फिर उसका 10% निकालते। और उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि फर्नीचर किराए पर लिया और किराया पे कर रहा है 5,000, तो टैक्सेबल कितना होगा 5,000, पूरे साल का किराया टैक्सेबल करोगे, बस एक बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बनेगा 5,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है सर सही में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मजा आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, मजा आ रहा है ना। डेली आओगे ना, बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे मुझे? पक्का। हाँ अगर आप डेली आओगे तो मैं भी मोटिवेशन के साथ डेली आऊंगा, अगर आप आना बंद कर दोगे ना तो मेरे को भी बहुत बुरा लगेगा। बस आप डेली आना, लास्ट तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान रखना। बस आप मेरा सपोर्ट करना सर, मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मिस्टर कश्यप, आय हाय 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 नाम क्या जी, मिस्टर कश्यप रिसीव बेसिक सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ही ऑल्सो रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 3,000 फॉर 3 चिल्ड्रन एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 1,800 पर मंथ। कह रहे हैं एज्यूम ही इज नॉट ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, the amount of salary chargeable to tax previous year 2021। कह रहे सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी प्रीवियस ईयर 2021 में, बस ये बता दो जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है, अगर बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ है तो पूरे साल की सैलरी कितनी आ गई जी, 2,40,000 पे सैलरी मेरी ये निकल के आ गई। फिर वो कह रहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 3,000 मिला 3 बच्चों के लिए। सर वो ये नहीं कह रहा, बहुत सारे बच्चे ध्यान दें जी, उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड। मैं दोबारा बोलूंगा, उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड। वो कह रहे हैं 3,000 जो है ना वो टोटल है और वो तीनों बच्चों को मिला है। अब अगर 3,000 टोटल अगर तीनों बच्चों को मिला, तो एक बच्चे को मिला 1,000, दूसरे को मिला 1,000 और तीसरे को मिला 1,000। अब आपसे बढ़िया आप कौन जानता है, पूरे विश्व के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्ट होता है, तो एक साल में कितना हो गया 1,200 रुपये।
अगर एक साल में 1200 एग्जाम्प्ट है तो 1000 रुपए की लिमिट है, ये एग्जाम्प्ट हो गया पूरा, ये भी एग्जाम्प्ट हो गया, तीसरा बच्चा पूरा टैक्सेबल हो गया। सर अगर 3000 पे टोटल है, 1000 एग्जम्प्ट हो गया, तीसरा बच्चा पूरा टैक्सेबल हो गया, तो 1000 पे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा जी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ है, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 पर मंथ है, सोच के बोलना, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। एक बच्चा कहता है यार विवेक सर तेरे को लग रहा है, तेरे को देखो ना लग रहा गलत पढ़ा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो लिमिट होती है 3200 पर मंथ। दूसरा कहता है नलायक, वो होती है हैंडीकैप वाले केस में, और एक क्वेश्चन हैंडीकैप का नहीं है, मैंने कहा था नॉर्मल वाले केस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा फुली टैक्सेबल होगा, और अगर फुली टैक्सेबल होगा तो 1800 पर मंथ है, 1800 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया जी, 21600 रुपये ये टैक्सेबल आ गया। अब एक बार कैलकुलेट करना जी, 240000 प्लस में 1000 प्लस में 21600 रुपये कितना आ गया जी, 262600 रुपये आ गया। अब जैसे ही 262600 आंसर आया ना, जैसे ही 262600 आंसर आया, प्रखर ने बोला, कह रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, प्रखर कह रहा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं गलती से भी ए मत कर देना, क्योंकि 50000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगी। सर उसने क्वेश्चन में ग्रोस सैलरी नहीं कहा, वो कह रहा है कितनी सैलरी टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल सैलरी बताओ। और ये बातें हमने रेगुलर बैच में भी की थी, रिवीजन क्लास के अंदर भी की थी, कि टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए आप सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस करते हो। अब अगर इसमें से 50000 माइनस करूंगा ना, तो आपका आंसर पता क्या आएगा, 212600, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर बनेगा। आया मजा क्वेश्चन करने में, थोड़ा सा दिमाग की नसें खुल रही हैं, लग रहा है कि हाँ रिवीजन क्लास के साथ मजा आ रहा है, ठीक है। तो सर अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके जाओगे ना, बताओ एग्जामिनर क्वेश्चन कहां से डालेगा। अगर आपने ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिए मेरे साथ में, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाले, आप गलती नहीं करके आओगे जी। क्या कह रहे हो, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वाला दोबारा समझा दूं? दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात मैंने सोच के बोलना। वो कह रहा है ही ऑल्सो रिसीव चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 3000 फॉर 3 चिल्ड्रन। पहली बात बताओ, क्या उसने क्वेश्चन में कहीं पर भी कहा कि 3000 पर मंथ है? आंसर इज नो। अगर 3000 पर मंथ नहीं कहा ना, पहली बात तो पूरे साल का है, और ये पूरे साल का है, और ये हर बच्चे का नहीं है। वो कह रहा है 3000 फॉर 3 चिल्ड्रन, मतलब तीनों बच्चों को 3000 मिले हैं। तो अगर तीनों बच्चों को 3000 हैं, तो हर बच्चे को 1000 हो गए। अगर हर बच्चे को 1000 है, दो बच्चे हो गए एग्जम्प्ट, तीसरा बच्चा फुली टैक्सेबल, क्योंकि एग्जम्पशन दो बच्चों की मिलती है। तो 1000 पे देखो मैंने टैक्सेबल कर दिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल, सैलरी इतनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस की, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका आंसर आएगा। अब सोच के देखना, अगर मैं आंसर आपको पहले ही दे देता, अगर आंसर पहले ही बता देता, तो करने का मजा नहीं आता सर। अब जब यहां पे आंसर चेक कर रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ हम कहां स्टैंड करते हैं, हमें कहां तैयारी और बढ़िया तरीके से करनी है, ठीक है। और घबराना मत सर, टेंशन बिल्कुल मत लेना, जहां जहां दिक्कतें आ रही है ना, समझते जाओ बस, और कुछ नहीं चाहिए जी। आगे बढ़ सकता हूं जी, पक्का पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ जी, आओ जी एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जी। देखो रही क्वेश्चन नंबर फाइव तो बिल्कुल गिरा हुआ है जी, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा जी, आप बताओगे। बताओ रही क्या कह रहा है, फॉर असेसमेंट ये 21-22 मेडिकल रिइंबर्समेंट इज एग्जम्प्टेड अप टू रुपीज, अपने बोल दो रही मेडिकल परक्विजिट, हाँ नहीं फटाफट से बोलो मेडिकल परक्विजिट। अब क्या मेडिकल परक्विजिट में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है? आंसर इज नो। याद करो मैंने कहा था मेडिकल परक्विजिट वाले केस में आप चेक करते हो इलाज इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। अगर इलाज इंडिया में है और वो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में है, फिर तो सारा एग्जम्प्ट होता है, और अगर वो स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में नहीं है तो फुली टैक्सेबल होगा। अब सोच के बोलना, क्या मेडिकल रिइंबर्समेंट वाले केस में, क्या मेडिकल परक्विजिट वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है? आंसर इज नो। तो एग्जम्पशन लिमिट यहां पे क्या बनेगा जी, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। क्या कह रहे हो, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया कह रही है कि यार 15000 रुपए की एग्जम्पशन लिमिट होती नहीं थी। प्रिया होती थी आज से 2 साल पहले होती थी। आज से 2 साल पहले मेडिकल परक्विजिट वाले केस में 15000 की लिमिट होती थी, उसको खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रिया उस लिमिट को खत्म हुए 2 साल हो चुके हैं, अब उस लिमिट को याद नहीं करना, अब यहां पे आंसर आएगा नील, ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, फिर कह रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपने बोल दो रही अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट कितनी है? 50000, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द प्रोविजन रिलेटिंग टू सैलरी, आपने बोल दो रही सैलरी का चैप्टर कहां से स्टार्ट होगा? 15, खत्म कहां पे होगा? 17, तो 15, 16, 17, ये तीन सेक्शन जो हम आपके सैलरी के हैं, तो
14 15 16 आंसर इज नो, 15 16 17 आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अवेलेबल टू, अपने बोल दो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, याद करो मैंने रिविजन क्लास के अंदर भी कहा था कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो मिलेगा सबको, बट गवर्नमेंट वाले केस में ऐड भी होगा और माइनस भी होगा, नॉन गवर्नमेंट वाले केस में ऐड तो होगा बट माइनस नहीं होगा। वो कहना चाह रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन इनमें से किस एम्प्लॉय को मिलती है, क्या वो सबको मिलती है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है? आंसर इज यस, दैट इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डिडक्शन जो मिलेगी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। आ रहा है कुछ समझ में? एक बच्चा तो कह रहा है सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, डेली डेली ना आप ना रिवीजन क्लास के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया करो, और होगा क्या? अब हाउस प्रॉपर्टी, कल से हमारा स्टार्ट होगा हाउस प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करनी है हाउस प्रॉपर्टी की, फिर करेंगे उसके एमसीक्यू, फिर करेंगे कैपिटल गेन, अदर सोर्स, पीजीबीपी, ओ माय गॉड मजा आने वाला है जी बहुत। आगे देखो जी, उसके बाद देखो जी, इफ असेसी डिजायर टू क्लेम एग्जम्पशन एलटीसी, अगर वो एलटीसी क्लेम करना चाहता है, Having three children, उसके तीन बच्चे हैं, out of them last two children are twins born after year 1999, then claim exemption in respect of three children. Obvious ही बात है, याद करो मैंने कहा था कि अगर आपका 98 के बाद बर्थ होता है, मैंने कहा था अगर आपका 98 के बाद बर्थ होता है वैसे दो बच्चे अलाउड होते हैं, बट अगर मान लो एक बच्चा हो गया उसके बाद मल्टीपल बर्थ हुए तो मल्टीपल बर्थ को एक मानते हैं। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर 99 में ट्विंस पैदा हुए तो पहले एक बच्चा था फिर ट्विंस हुए तो एग्जम्पशन तीनों के मिलेगी, ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे तीन बच्चों की एग्जम्पशन मिल जाएगी, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट, हाँ जी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिमिट कितनी है, फटाफट से बोलो लिमिट कितनी है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड, दोबारा बोलो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड, एक बार चेक करो, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बस ये पर ध्यान देना। ठीक है जी, तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर निकल के आएगा। उसके बाद देखो जी, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस इज एग्जम्प्टेड, हाँ जी, हॉस्टल वाले केस में कितनी है जी, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड, दोबारा बोलो 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम टू चाइल्ड, तो यहाँ पे कितना आएगा जी, 300 रुपए कहाँ पे गया, 300 रुपए पर मंथ, ये रहा 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन, ये तो 200 रुपए है, 300 वाला आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा जी 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर टू चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ इतने गिरे गिरे क्वेश्चन है, उठाना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है उठ जा नालायक बच्चे उठ जा, इतने आसान आसान क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो, ओए हो इतना मुश्किल क्वेश्चन, हे भगवान ये क्वेश्चन देखने से पहले मुझे कुछ हो क्यों नहीं किया। कह रहा ट्राइबल एरिया अलाउंस में लिमिट कितनी है, बताओ अब मेरे बच्चे बताएंगे इनको जी, बताओ फटाफट से ट्राइबल एरिया में कितनी लिमिट है, वेरी गुड, बच्चा कह रहा 800 रुपए पर मंथ, 800 रुपए पर मंथ, कुछ नहीं करना, सुबह उठ के 7 बादाम खाने हैं, नालायक सर 800 रुपए पर मंथ थी अंडरग्राउंड अलाउंस वाले केस में, ट्राइबल एरिया वाले केस में 200 रुपए पर मंथ लिमिट थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ ऐसे मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। आगे देखो जी, अगला केस कौन सा है, ए मोटर कार है, मोटर कार है, उसका इंजन जो है 1.8 लीटर है, मतलब 1.6 लीटर से ऊपर है, इज प्रोवाइडेड टू मिस्टर एक्स, द मोटर कार इज यूज बोथ फॉर द प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्क, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट यूज आर बोर्न बाय मिस्टर एक्स, टैक्सेबल अमाउंट, अपने आप बोल देना जी, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, हनी फटाफट से बोलो, याद करो रिविजन क्लास, गाड़ी एम्प्लॉयर की है और खर्चा एम्प्लॉय का है, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है खर्चा एम्प्लॉय का है, अगर दोनों जगह पे यूज करोगे तो छोटी गाड़ी का 600, बड़ी गाड़ी का 900 और ड्राइवर का 900, याद करो नालायकों, मोटर कार वाले केस में 4 केस मैंने बनवाए थे, अब याद कहां होगा आपको, क्योंकि 2-3 दिन पहले रिविजन क्लास लगाई थी, 2-3 दिन में आप भूल चुके हो। मोटर कार वाले केस में 4 केस थे, गाड़ी एम्प्लॉय की खर्चा एम्प्लॉय का, उस केस में क्या होगा, गाड़ी एम्प्लॉय की खर्चा एम्प्लॉयर का, उस केस में क्या होगा, अगर गाड़ी एम्प्लॉयर की है खर्चा एम्प्लॉय का है, ये वो वाला केस है जी, इसमें कह रहा है गाड़ी एम्प्लॉयर की है खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है, और अगर यूज दोनों जगह पर होगी तो याद करो छोटी गाड़ी में 600, बड़ी गाड़ी में 900, तो गाड़ी कौन सी है, छोटी है बड़ी है, बड़ी गाड़ी है क्योंकि 1.8 लीटर है, और अगर बड़ी गाड़ी होगी तो 900 रुपए पर मंथ जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बताओ, रिवीजन क्लास के बेस पे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। अगर आपने एक बार पहले रेगुलर बैच में डिटेल में पढ़ा हुआ है तो रिवीजन क्लास के बेस पे फट्टे चक देंगे हम जी। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 जी, कह रहे मोटर कार हैविंग कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 1.6 लीटर, मतलब छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कह रहे हैं उस केस में इज ओन बाय एम्प्लॉयर एंड यूज बोथ फॉर द प्राइवेट एंड ऑफिशियल वर्क, रनिंग एंड मेंटेनेंस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, द वैल्यू ऑफ मोटर कार टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। लो जी, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। याद करो लास्ट वाला केस है जी, लास्ट वाला केस है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चा भी एम्प्लॉयर का। अब सोच समझ के बोला, अगर गाड़ी भी उसकी खर्चा भी उसका, छोटी गाड़ी है और यूज दोनों जगह पर है, तो 1800 पर मंथ और ड्राइवर का 900 पर मंथ। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, उसने कहा जी साथ में देखो ड्राइवर भी है, तो 1800 पर मंथ तो गाड़ी का हो गया और 900 पर मंथ हो गया ड्राइवर का, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में गाड़ी बड़ी होती तो 2400 पर मंथ टैक्सेबल कर देता, अगर इसी क्वेश्चन में गाड़ी बड़ी होती 2400 पर मंथ करता, बट गाड़ी छोटी है तो 1800 पर मंथ हो गया गाड़ी का और 900 पे हो गया ड्राइवर का। ओके, हाई फाई करो फिर ये लो जी। उसके बाद देखो जी, कह रहे हैं गिफ्ट इन कैश, ओहो यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे भी ए बी सी डी आएगा, ऑप्शन गलत लिखे हो गए जी। हाँ जी, गिफ्ट इन कैश, आपने बोल दो नहीं, गिफ्ट इन कैश, कैश गिफ्ट, फटाफट से बोलो जी। सैलरी वाले केस में गिफ्ट का ट्रीटमेंट क्या था, 5000 की लिमिट थी यार, ऐसे दिल मत दुखाओ मेरा, 5000 की लिमिट क्या मॉनिटरी वाले केस में थी या नॉन मॉनिटरी वाले केस में थी, नॉन मॉनिटरी वाले केस में थी सर, मॉनिटरी वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं थी। याद करो रिवीजन क्लास के अंदर मैंने कहा भी था कि मनी की फॉर्म में गिफ्ट होगा फुली टैक्सेबल होगा, उस केस में कोई 5000 की लिमिट नहीं है। तो कह रहा है कैश गिफ्ट है, अब बताओ मैं क्या समझाऊं इसको, कैश गिफ्ट है तो भैया फुली टैक्सेबल है, उस केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लो जी, 15 क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए जी, 15 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इन 15 क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो बता दो जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का अगर दिक्कत है तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। और जो ये 3-4 बच्चे डिसलाइक ठोकते हैं उनको मैं यही बोलूंगा, नालायको गॉड ब्लेस यू, मतलब अगर आप कमी नहीं बता सकते तो कम से कम किसी को डिस्करेज तो मत किया करो। क्या करोगे जिंदगी में आगे रहकर, मुझे बताओ क्या करोगे जिंदगी में आगे रहकर, दूसरों की बुराइयां बस, दूसरों को नीचे दिखाने की, नीचे गिराने की कोशिश करते रहोगे पूरी जिंदगी में। अगर ये काम करोगे तो लाइफ में सफल कैसे होगे, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरों को नीचे गिराने पे है। जो बच्चे इतनी प्यार से लाइक करते हैं कम से कम चलो उनके जैसे बन नहीं सकते, तो डिसलाइक तो मत करो, समझ के आराम से। एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कोई टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या, ये बातें मेरे लिए हैं क्या, डिग्री मुझे मिलनी है सर, ना तो मैं आपसे पैसे चार्ज कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको एज ए फैमिली मान के यहाँ पे क्वेश्चन करवाने के लिए आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी अगर आप ऐसा करोगे तो कितनी बुरी बात होती है। और इवन मेरे लिए नहीं सर, आप अपनी लाइफ खुद खराब कर रहे हो, ये आपकी लाइफ के लिए बड़ा क्वेश्चन है कि आपको कोई पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव दिखता ही नहीं है ना लाइक। इधर देखो ध्यान से, हो गए जी ये 15 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आओ जी अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। लो जी फटाफट से बताओ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आंसर आपने मुझे बताते रहने हैं जी। आओ जी चेक करते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन टू एन एम्प्लॉई वेयर द अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अपने बोल दो जी। इंटरेस्ट ऑन लोन वाले केस के अंदर मैंने पहले भी कहा था कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर लोन की वैल्यू 20,000 तक होगी, अगर लोन की वैल्यू 20,000 तक होगी उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो अपने बोल दो आंसर कितना आएगा, 10,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा या 25,000 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर बनेगा जी सी। ठीक है, अब बाकी बच्चे कह रहे हैं सर जो ये बाकी क्वेश्चन है इसके आंसर मैंने बोल दिया आपको, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा बाकी क्वेश्चंस के आंसर, आप वो खुद ट्राई कर सकते हो, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उसको सारे अभी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं मयंक रिसीव 50,000 एट बेसिक सैलरी फ्रॉम द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 4,000 बाय एंटरटेनमेंट अलाउंस विच ही स्पेंड इन फुल ऑफिशियल पर्पस, द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले केस में डिडक्शन मिलती है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट किस में से, पहला जितना अलाउंस मिला या तो वो, दूसरा 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, अगर मैं इसका बेसिक सैलरी का 1/5 निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा जी, 10,000 पे निकल के आएगा, और 5,000 विच एवर इज लेस। अब सोच समझ के बोला, नहीं अलाउंस मिला कितना है 4,000, सेकंड में लिमिट आपकी 5,000 पे,
तीसरे में अगर 1/5 निकालूंगा तो 10,000 आएगा, लीस्ट क्या बनेगा 4,000, तो भैया एग्जम्पशन और डिडक्शन कितने की मिलेगी, 4,000 की मिलेगी। उसने मुझसे मांगा क्या है, कह रहा डिडक्शन कितनी मिलेगी, आंसर आएगा 4,000, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो डिडक्शन आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जी, अगर ये नॉन गवर्नमेंट होता, हाँ जी बहुत ध्यान सुना, अगर ये नॉन गवर्नमेंट होता तो डिडक्शन मिलती नहीं, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट वाले केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस ऐड तो करते हो बट माइनस नहीं करते, बट यहां पे क्या है जी गवर्नमेंट है, उस केस में 4,000 जो होगा माइनस कर देंगे, बस ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी आगे जी, फिर वो ये कह रहे हैं जी, हाँ जी आपने बोल देना जी, मेडिकल परक्विजिट वाले केस में, मेडिकल परक्विजिट वाले केस में क्या अब कोई भी एग्जम्पशन लिमिट है, अभी अभी हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया कि मेडिकल परक्विजिट वाले केस में कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, फुली टैक्सेबल होगा। अब देखो जी अगर ट्रीटमेंट हो रहा है नर्सिंग होम में, कोई क्लिनिक में हो रहा है, तो फुली टैक्सेबल है, कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आपका आंसर निकल के आ गया जी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, गिरा हुआ क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दी है, हाँ जी सोच समझ के बोला, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दी है, सोच समझ के बोलो, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बैंक का चेक करोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट किस बैंक का चेक करोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और किस दिन का, जिस दिन लोन दिया, आंसर इज नो, जिस ईयर में लोन दिया उसकी 1 अप्रैल को रेट क्या था वो रेट आप चेक करोगे। मैं दोबारा बोलूंगा जी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया तो जिस दिन लोन दिया वो दिन हमारे किसी काम का नहीं है, वो दिन जिस ईयर में आएगा उस ईयर की 1 अप्रैल को रेट क्या था वो रेट हमारे काम का होगा। तो एक बार चेक कर लो जी, यहाँ पे रेट चार्ज बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1st day ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। बताओ कैसे, कितने कितने मुश्किल क्वेश्चन है, हे भगवान जी कैसे होंगे इतने मुश्किल क्वेश्चन, भगवान जी कह रहे हैं विवेक सर के बच्चे सामने बैठे हैं, ये तो कर लेंगे, मुश्किल से मुश्किल हो तो भी कर लेंगे, ओ माय गॉड। आगे आओ जी, फिर अगला क्वेश्चन देख लो जी, अगला क्वेश्चन देखो नी, वो कह रहे हैं व्हेन एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन ए सिटी वेयर पॉपुलेशन एक्सीडेड 10 लाख बट अप टू 25 लाख, आपने बोल दो जी, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है, 25 लाख तक है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक होती तो 7.5% ऑफ सैलरी, अगर 10 लाख से ऊपर है 25 लाख तक है तो सैलरी का 10%, और अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर होगी तो सैलरी का 15%। अब अपने बोल देना जी, यहां पे सैलरी का 10% हम टैक्सेबल करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर निकल के आ गया जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद देखो जी, व्हेन एन एकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन द होटल बाय एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 14 डेज and on transfer of employee from one place to other place, what amount shall be taxable? Hello, बताओ रही फटाफट से बताओ, अगर 14 दिन तक है जी, याद करो होटल वाले केस के अंदर मैंने कहा था 15 दिन तक कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, अगर ट्रांसफर वाला केस है कितने दिन है 14, तो टैक्सेबल करूं, जल्दी बोलो क्या 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लेस आएगा या नील आएगा, आंसर इज डी, निल आंसर बनेगा, क्योंकि सर 14 दिन है, अगर यहां पे 16 दिन होता फिर भी टैक्सेबल करता, अगर 20 दिन होते फिर भी टैक्सेबल करता, अगर 15 डेज तक होटल होगा उस केस में कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, तो ये आंसर बनेगा निल। बताओ जी हो गया जी क्वेश्चन, आगे देखो जी, अब आएगा इस क्वेश्चन के अंदर मजा, अब आएगा इस क्वेश्चन के अंदर मजा, देखना आप कैसे गलती करते हो अभी। क्वेश्चन नंबर 17 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और अब आपके देखना तोते उड़ जाएंगे, कई बच्चे तो कह रहे हैं जी अच्छा चलता हूं दुआओं में याद करना, कई बच्चे सेशन छोड़ के भाग रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के। आगे देखो जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, रमेश नाम है, रमेश, रमेश इन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पहली बात तो नॉन गवर्नमेंट है जी, रमेश इन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई Who is not covered by payment of gratuity Act 1972, retired on 15 June 19 after 26 year 8 month of service and receive 6 lakh gratuity at the time of retirement. उसकी basic salary है 5,000, DA 3,000 है, 60% उटोए वाला है, commission 1%, turnover है, turnover 12 लाख रुपए की है, bonus 1 साल का 12,000 रुपए है, कह रहा what amount of gratuity shall be taxable?
भाई ग्रेचुटी की कितनी वैल्यू टैक्सेबल होगी बस ये बता दो। पहले मुझे फटाफट से ना एक बार ग्रेचुटी के बारे में थोड़ा बहुत याद करवाना। ग्रेचुटी के दो केस होंगे, गवर्नमेंट वाले केस में, चैट बॉक्स में लिखो रही, गवर्नमेंट वाले केस में 100% एग्जम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट वाले केस में दो केस होंगे, या तो ग्रेचुटी में कवर होगा या वो ग्रेचुटी में कवर नहीं होगा। अगर ग्रेचुटी में कवर होगा, हनी फटाफट से बोला जी, अगर ग्रेचुटी में कवर होगा तो लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, और अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं होगा तो भी सेम लाइन है, लीस्ट ऑफ दी फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट। अब यहां पे वो कह रहे हैं जी ये एम्प्लॉई जो है वो ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, और अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं है तो लीस्ट किसमें से, पहला एक्चुअल, दूसरा 20 लाख, तीसरा, हनी फटाफट से बोलना 15/26 या 15/30, जल्दी बोलो यार, 15/26 या 15/30, 15/30, और पिछले 10 महीने की, मैं दोबारा बोलूंगा, पिछले 10 महीने की जो एवरेज सैलरी होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितने ईयर कंप्लीट हो चुके हैं ना वो यहां पे आएंगे, और पार्ट यहां पे नहीं आएगा। और सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस में डीए उटोए वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज बेस्ड ऑन टर्नओवर। आओ जी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर उठा लो जी फटाफट से। कई बच्चे घर से करके आए होंगे, कई बच्चे नालायक होंगे वो यहाँ पे आके बैठ चुके होंगे, विवेक सर तो करवाएंगे ही, हमारे पास टाइम नहीं है, ना ना ना, 24 घंटे, हमें अगर भगवान 72 घंटे भी दे दिन में तो भी हम उसको वेस्ट कर सकते हैं, 24 घंटे तो बहुत कम होते हैं नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, पहला यहाँ पे एक्चुअल में कितना मिला है जी, 6 लाख, दूसरा यहाँ पे लिमिट कितनी आएगी, 20 लाख, तीसरा यहाँ पे है जी 15/26, 15/26, बोल दो नलायको मैं गलत लिख रहा हूं, 15/30 आएगा, बच्चा कहना हाँ 15/26, हद हो गई बिल्कुल ही, 15/30। अब लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई जितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, हरी 26 साल 8 महीने है जी, अगर 26 साल 8 महीने हैं तो कैलकुलेट क्या करूंगा, 26 साल है 27 साल, जल्दी बोलो 26 काउंट करूं या 27 काउंट करूं, सर 26, अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता फिर 27 काउंट करता, मेरे बच्चे मेरे नोनू मेरे सोनू, अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता ना फिर मैं 27 काउंट करता, ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, कंप्लीट ईयर काउंट करेंगे तो 26 आएगा। और अब सैलरी देख लो जी, 5000, डीए उटोए वाला 1800, अगर मैं 3000 का 60% निकालूंगा 1800 आएगा, और कमीशन देखो 12 लाख रुपए, तो अगर 12 लाख रुपए है उसका 1% आएगा 12000 पे, डिवाइड बाय 12 तो 1000 पे आ गई कमीशन। अब ये सैलरी आ गई 7800 रुपये, अब ये सैलरी मेरी एक महीने की है, मुझे पिछले 10 महीने की सैलरी का एवरेज लेना है, तो मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 10 करूंगा, तो 10 से 10 कट गया तो सैलरी कितनी आएगी, 7800 ही आएगी। अब कई बच्चे ना, कई बच्चे ऐसे बच्चे हैं, कई क्लास में नालायक हैं जिनको एवरेज निकालना नहीं आता, सर एवरेज आपने बचपन में सीखा होगा ना, अगर 10 महीने का एवरेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10 तो कितना गया, 78, तो एक बार चेक करना, 15/30 मल्टीप्लाई 7800 मल्टीप्लाई 26 तो आ गया जी 1,01,400। अब अपने बोल देना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम, इनमें से लीस्ट क्या रहा है जी, जल्दी बोलो इनमें से लीस्ट क्या रहा है, 1,01,400 ये लीस्ट आ रहा है। अब ग्रेचुटी मिली है 6 लाख, अब अगर ग्रेचुटी 6 लाख मिली उसमें से 1,01,400 एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल कितना हो गया, तो 6 लाख में से 1,01,400 एग्जम्प्ट हो गया, तो 4,98,600 टैक्सेबल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओ माई गॉड सर 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 प्लीज सर प्लीज प्लीज सर एक बार दोबारा समझा दो ना लास्ट वाला पॉइंट, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो कान पकड़ाओ अपना, कान पकड़ाओ पहले तो, कान आगे करो है ना लायक बच्चा, कान आगे करो जल्दी आगे करो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो वो कह रहा है पहली लाइन में ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं है, अगर ग्रेचुटी में कवर नहीं है तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जम्प्ट, पहला एक्चुअल, दूसरा 20 लाख, तीसरा, तीसरे में क्या था, हाफ मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हाफ मंथ मतलब 15/30, कंप्लीट ईयर मतलब 26 साल, अब लास्ट 10 मंथ की सैलरी तो निकालनी है, सैलरी मींस बेसिक प्लस में डीए उठोए वाला प्लस में कमीशन, बेसिक सैलरी 5000 है, डीए कितना आ गया 1800, कमीशन 1000, 7800 एक महीने की सैलरी है। अब अगर 10 महीने की सैलरी का, 10 महीने की सैलरी नहीं लेनी सर, गलती से भी 10 महीने की सैलरी मत ले लेना, वो कह रहा है 10 महीने की एवरेज सैलरी, अब अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा, 7080 आएगा, तो उसके बेस पे कैलकुलेशन कर लिया आपने बस,
ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। अब अगर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाए तो गलती तो नहीं करके आओगे? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर, अब गलती नहीं करके आएंगे। आगे बढ़ो फिर, अगला क्वेश्चन देखो जी। आहा, क्वेश्चन देख लो कितना मुश्किल आ गया, बहुत ध्यान से पढ़ना जी, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कह रहे हैं इफ सैलरी ड्यू, अगर सैलरी ड्यू हो रही है मार्च 2020 में और रिसीव हो रही है अप्रैल 2020 में, वो किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी? अपने आप बोल दो, अगर सैलरी मार्च 20 में ड्यू हो रही है और मिल रही है अप्रैल 20 में, तो टैक्सेबल ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो भैया ड्यू पहले हो रही है, तो अगर ड्यू पहले हो रही है मार्च 20 में ड्यू हो रही है, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920। सर मार्च 20 कब आता है पता है ना, मार्च 20 कब आता है? मार्च 20 आता है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 ना। तो अगर सैलरी मार्च 20 में ड्यू हो रही है और अगर अप्रैल 20 में मिल रही है, तो रिसीव बाद में हो रही है, ड्यू पहले हो रही है, तो अगर ड्यू पहले हो रही है तो फिर वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, दैट इज 1920। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, सैलरी ड्यू हो रही है मार्च 20 में और रिसीव हो रही है अप्रैल 20 में, सेम क्वेश्चन है। देखो बच्चा कह रहा है सेम क्वेश्चन है, सर दो बार क्वेश्चन आ गया, आंसर इज नो। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगी, इस क्वेश्चन में कह रहा है असेसमेंट ईयर कौन सा होगा। तो अगर प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर 2021 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, दोनों क्वेश्चन सेम है, बट वहां प्रीवियस ईयर की बात है या असेसमेंट ईयर की बात है। प्रीवियस ईयर 1920 है, असेसमेंट ईयर 2021 है, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। अब ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए, बताओ जी आगे बढ़ो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। अगला क्वेश्चन देख लो जी, अगला क्वेश्चन है, आनंद इज एंटाइटल्ड टू गेट पेंशन ऑफ 600 पर मंथ फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी, ही गेट 3/5 ऑफ द पेंशन कम्यूट एंड गेट 36,000, ही डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। पहली बात तो वो अनकम्यूट की वैल्यू नहीं कह रहा, वो कह रहा है कम्यूट वैल्यू कितनी टैक्सेबल होगी ये बता दो। वो कह रहा है कम्यूट वैल्यू कितनी टैक्सेबल होगी बस ये बता दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये 36,000 जो उसको पेंशन मिली है ये कितने परसेंट कम्यूट करा के मिली? सर अगर मैं 3/5 की बात करता हूं तो 3/5 कितने परसेंट होता है? सर 3/5 होता है 60%। कई बच्चों को यही नहीं पता होगा 3/5 60% कैसे होता है। पता है सर, मेरी फैमिली में से कई बच्चे हैं ऐसे, उनको यही नहीं पता 3/5 60% कैसे होता है। एक बात बताओ, अगर 3/5 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो मेरे नालायक बच्चों कितना आएगा? 60 तो आएगा, तो कितना आ गया? 60% आ गया ना। अब सोच समझ के बोलना जी, मेरे को 36,000 पेंशन मिली, मेरे को 36,000 पेंशन मिली 60% कम्यूट करा के। मैं दोबारा बोलूंगा, मेरे को 36,000 पेंशन मिली 60% कम्यूट करा के, अगर मैं 100% करवाता फिर कितनी मिलती निकाल लो। अगर 36,000 मिली 60 कम्यूट करा के, तो 100 करवाने पर कितनी मिलती रही? 60,000 मिलती, 60,000 मिलती। अब वो कह रहा है साथ में ग्रेचुटी नहीं है। अब अगर ग्रेचुटी नहीं है तो मैंने कहा था अगर ग्रेचुटी होगी, अगर ग्रेचुटी होगी तो 1/3 और अगर नहीं होगी तो 1/2। अपने बोल दो 60,000 रुपए का अगर मैं 1/2 निकालूंगा तो 30,000 रुपए एग्जम्पशन मिल गई। अब सोच के बोलना, 36,000 पेंशन मिली है, 36,000 पेंशन मिली उसमें 30,000 रुपए एग्जम्प्ट है, तो 6,000 रुपए टैक्सेबल आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा तो ऐसे सिर पकड़ के बैठ गया, कह रहा है एक मिनट यार सिर दबाइयो मेरा थोड़ा सा, भाई मालिश कर दे मेरे सिर की यार, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे क्लास में? क्यों भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे क्लास में, क्या कहने का मतलब है? नालायको याद करो, सैलरी में 11 से 12 लेक्चर हमने सैलरी में लगाए थे क्लास में, और क्वेश्चन कर करके जान निकालती थी मैंने आपकी, और ये इससे भी मुश्किल क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें तो अनकम्यूट पेंशन भी थी, इसके अंदर है क्या? बच्चा कह रहा है सर मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं ना, आप मेरी बात करो सर, आप मुझे समझाओ। और मेरा बच्चा इधर देखो ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, जब हमने रिवीजन क्लास की थी तो मैंने कहा था कि पेंशन जब भी आप निकालोगे आप उसमें क्या करोगे, आप उसमें चेक करोगे कितने परसेंट कम्यूट कराई। आप जितने परसेंट कम्यूट कराई उसको पूरे 100% पे ले जाओ। भाई अगर मैंने 60% कम्यूट करवा के मेरे को 36 मिले, तो 100 कम्यूट करवाने पर कितने मिलते? अब अगर 36,000 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 60 मल्टीप्लाई 100 कितने आते? 60,000 आते ना। अब कह रहा है साथ में ग्रेचुटी नहीं है, अब अगर ग्रेचुटी नहीं है तो फिर क्या होगा? 1/2 या 1/3? 1/2। तो 60,000 का 1/2 कितना आ गया? 30,000 रुपए। अब 36,000 पेंशन मिली,
36,000 पेंशन मिली, उसमें 30,000 रुपए एग्जम्प्ट है, तो फिर 6,000 रुपए क्या होगा, टैक्सेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर निकल के आएगा जी, ठीक है जी। बाकी अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना, जब वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी उसके बाद। देखो जी आगे, देखो जी अगला कितना, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ यार। एन असेसी, क्वेश्चन नंबर 27 जी, एन असेसी रिसीव 75 पर मंथ, यानी 75 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, द अमाउंट स्पेंड बाय 50। अब अगर अमाउंट स्पेंड कितना किया वो तो मेरे किसी काम का ही नहीं है, कह रहे टैक्सेबल कितना होगा ये बता दो जी, अब इन्हें मैं क्या बताऊं जी, कह रहे टैक्सेबल कितना होगा। आप सोच के बोलना, 75 एक बच्चे को मिला, 75 दूसरे को, 75 तीसरे को, अब दो बच्चे तो हो गए एग्जम्प्ट क्योंकि 100 रुपए की लिमिट है, तीसरा बच्चा हो गया टैक्सेबल। अब अगर तीसरा बच्चा टैक्सेबल हो गया तो 75 पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाई 12 कर दो, तो अगर 75 को मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 900 रुपए आ गया जी, 900 रुपए हो जाएगा टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बताओ जी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए और बच्चा बोले पेपर बहुत मुश्किल आ गया सर, पेपर बाहर से आ गया, तो ये पेपर बाहर से नहीं है सर। और मैं आपको दिखा दूंगा सर, अगर प्रोविजन आपके स्ट्रॉन्ग है ना, अगर प्रोविजन आपने बहुत बढ़िया तरीके से किए हैं, मतलब ही पैदा नहीं होता क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे। तो भैया 75 75 75, दो बच्चे एग्जम्प्ट है, तीसरा बच्चा टैक्सेबल हो गया, 75 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया, 900 रुपए टैक्सेबल हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एम्प्लॉई है ब्लाइंड है जी, अगर एक एम्प्लॉई ब्लाइंड है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलेगा जी, आपने बोल देना जी हैंडीकैप में कवर हो जाएगा जी, अगर हैंडीकैप में कवर हो जाएगा उस केस में 3200 पर मंथ जो होगा वो एग्जम्पशन मिलेगी। तो देखो जी अमाउंट रिसीव्ड और 32,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ट्रांसपोर्ट, मैं दोबारा बोलूंगा, वैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है, नॉर्मल वाले केस में फुली टैक्सेबल है, बट अगर वो हैंडीकैप है या डिसेबल है उस केस में 32 पर मंथ जो होगा उस केस में एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन कौन सा है जी, लोरी क्वेश्चन नंबर है 37, एक बार देखना 37 में क्या लिखा है जी, कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम एग्जम्पशन अलाउड अंडर सेक्शन 10AA लीव इन कैशमेंट, अपने बोल दो रही लीव इन कैशमेंट की लिमिट कितनी है जी, कितनी 20 लाख, ना लगो 20 लाख तो ग्रेचुटी की है, लीव इन कैशमेंट की लिमिट कितनी है, लीव इन कैशमेंट की 5 लाख, एक कान पकड़ू या दो कान पकड़ू, 5 लाख रुपए इसकी लिमिट है, 5 लाख रुपए किसकी है, VRS की है, 5 लाख रुपए किसकी है, रिट्रेंचमेंट की है सर, लीव इन कैशमेंट की 3 लाख लिमिट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जी, वो कह रहे हैं स्वाति इज एन एम्प्लॉई, स्वाति एक एम्प्लॉई है प्राइवेट कंपनी की, इन द प्रीवियस ईयर शी रिसीव सैलरी 1,80,000 एंड 12,000 पे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, उसमें 6,000 पे उसने खर्चा किया जी, कह रहे हैं अंडर सेक्शन 16(2) शी एंटाइटल डिडक्शन, कितने डिडक्शन मिलेगी जी बताओ। अब अगर 12,000 एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला, सैलरी 180 है, 12,000 मिला सैलरी 180 है, डिडक्शन कितनी मिलेगी, 5,000, वेरी गुड। एक बार सारे के सारे बच्चे इशिता के लिए और दृष्टि के लिए खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे, बच्चा कह रहा है 5,000 मिलेगी। मैंने कितनी बार कहा है, जब क्वेश्चन ध्यान से अगर नहीं पढ़ोगे ना गलती करके आओगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सबसे पहली लाइन मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, नालायक बच्चे प्राइवेट कंपनी है और एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राइवेट कंपनी वाले केस में डिडक्शन मिलती नहीं है। हाँ सर याद आ गया ना, तो डिडक्शन गवर्नमेंट कंपनी वाले केस में प्राइवेट में नहीं है, वो कह रहे प्राइवेट में कितनी मिलेगी भैया, नील मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो जी, मिस्टर ए है, एज है 65 ईयर, वो कह रहे हैं सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021, बताओ जी। अब ग्रोस सैलरी 8,80,000 पे, ग्रोस सैलरी 8,80,000 पे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 60,000 पे है, पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन 70,000 है, कह रहे टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो। अब अगर ग्रोस सैलरी 8,80,000 पे है, इसमें से पहले 50,000 पे की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो, अब ये सैलरी कितनी आ गई जी, 8,30,000 पे सैलरी आ गई, अब 8,30,000 पे सैलरी की इनकम आ गई, अदर सोर्स की इनकम 60,000 पे है और 70,000 पे पीपीएफ है, डिडक्शन है माइनस कर दो। आपने किया होगा ना, बच्चा कह रहा है डिडक्शन का चैप्टर तो अभी तक आपने कराया नहीं, मैंने रिवीजन नहीं कराई, बट आपने क्लास में तो पढ़ा होगा।
अदर सोर्स, मैंने रिवीजन नहीं कराई, क्लास में तो पढ़ा होगा ना, तो सैलरी प्लस में अदर सोर्स माइनस में डिडक्शन, तो आपकी इनकम निकल के आ गई है 8,30,000 प्लस में 60,000 माइनस में 70,000, तो आ गया जी 8,20,000 पे इनकम निकल के आ गई। अब अगर 8,20,000 पे है, एज 65 है, और अगर कुछ भी नहीं कहा तो मतलब नए रेट यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर 115 बीएससी के बारे में कहा होता फिर 115 बीएससी लगाता, अगर कुछ नहीं कहा नॉर्मल रेट यूज करूंगा। 5,00,000 से ऊपर कितनी है जी, अगर 8,20,000 है 5,00,000 से ऊपर कितनी है 3,20,000, 3,20,000 का 20% ये आ गया 64,000, और प्लस में अब रह गए 5,00,000, उसमें 3,00,000 तो एग्जम्प्ट है और 2,00,000 का 5% कितना हो गया जी 10,000, 74,000, 74 प्लस में 4% सेस हो गया 76960, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम के अंदर फ्रेम हो सकते हैं। अब बताओ क्वेश्चन मुश्किल है, मैंने किया क्या, पहले टैक्सेबल सैलरी निकाली, अदर सोर्स की इनकम ऐड कर दी, डिडक्शंस माइनस कर दी, 8,20,000 पे इनकम, अगर 8,20 पे टैक्स निकालना है, टैक्स तो आपको निकालना आता है जी, ठीक है, तो जो टैक्स आएगा उसमें 4% आप सेस जोड़ोगे 76960, ये आंसर आपके सामने आ जाएगा जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 42 देख लो जी, कह रहे रमेश, हाँ जी, रमेश इज एम्प्लॉयड विद वीजी लिमिटेड, सैलरी है 20,000 पर मंथ, एज वीजी लिमिटेड वॉज इन फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है कंपनी को, इट पेड द सैलरी ऑफ जनवरी 2020 टू मार्च 2020 टू रमेश इन जुलाई 2020, द ग्रोस सैलरी ऑफ रमेश फॉर असेसमेंट ईयर 2021 शैल बी, अपने आप बोल दो जी, वगैरह कंपनी को पैसों की दिक्कत है, और कंपनी को पैसों की दिक्कत है इसलिए कंपनी ने क्या किया, जनवरी से मार्च की सैलरी अगले साल जुलाई में देने की बात की, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर जनवरी से मार्च की सैलरी अगले साल जुलाई में मिलेगी तो क्या वो सैलरी ड्यू भी जुलाई में होगी या ड्यू हो चुकी है, ड्यू तो हो चुकी है सर, काम तो मैंने कर लिया होगा ना, अब जब मैंने काम किया तो मेरे बाबूजी ने मुझे बोला विवेक कि तेरी सैलरी अभी तुझे मिलेगी बाद में ले लियो, मतलब पैसा मेरा ड्यू हो चुका है, रिसीव हो रहा है बाद में, तो टैक्सेबल कब होगा, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो तीन महीनों की सैलरी मुझे अभी नहीं मिली बाद में मिलेगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं अभी नहीं मिली बाद में मिलेगी, बट टैक्सेबल क्या बाद में होगी या अभी होगी, अभी होगी क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है, तो अगर ड्यू हो चुकी है तो पूरे के पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, तो 20,000 मल्टीप्लाई 12 2,40,000 पे ये हमारी सैलरी टैक्सेबल होगी। अब आप में से कई नालायक बच्चे मुझे पता है कह रहे हैं सर तीन महीने की सैलरी तो नहीं टैक्सेबल होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए सर, सैलरी की पहली रिवीजन क्लास के अंदर ही सेक्शन नंबर 15 में साफ साफ कहा था कि सैलरी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, तो अगर सैलरी पहले ड्यू हो रही है तो वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो जी, 10,000 पर मंथ सैलरी है, वी हैड टेकन इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 20 टू जून 20 मार्च 20, लो जी अब 10,000 पर मंथ सैलरी है, वो कह रहे हैं अगले एडवांस सैलरी आएगा वो कह रहे हैं अगले तीन महीने की अप्रैल मई जून अगले तीन महीने की सैलरी इस साल मार्च में ले ली। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर अगले साल के तीन महीने की सैलरी मैंने एडवांस में ले ली तो क्या वो एडवांस सैलरी बाद में टैक्सेबल होगी या अभी होगी, अभी होगी क्योंकि रिसीव पहले हो चुकी है, तो इस साल के 12 महीने और अगले साल के तीन महीने भी अभी टैक्सेबल होंगे 15 महीने, तो अगर सैलरी 10,000 पर मंथ है तो 1,50,000 रुपए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो सर वही फंडा चल रहा है हमारा, वही फंडा चल रहा है ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, तो या ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर उस बेस पे टैक्सेबल करनी है बस। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरी सैलरी पूरे साल की है और अगले साल के तीन महीने की सैलरी मुझे इस बार मिलेगी तो रिसीव पहले हो गई ना, और मैंने पहले भी कहा था अगर रिसीव पहले होगी तो वो रिसीव बेस पे टैक्सेबल होगी, तो 12 महीने इस साल के, अगले साल के तीन महीने 15 महीने सैलरी 10,000 होगी, तो 1,50,000 रुपए सैलरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन जहां आप में से आधे बच्चे गलत करके आएंगे जी, अगला क्वेश्चन देखना जी, सैलरी ऑफ वी बिकम ड्यू 1st ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड इट इज पेड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 फॉर द सैलरी ऑफ वी शैल बी टेकन फ्रॉम, अपने आप बोल देना जी। और वो कह रहे हैं सैलरी ड्यू हो रही है, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी कई बार कर चुके थे,
याद करो रेगुलर बैच में इस क्वेश्चन मैंने काफी टाइम लगाया था जी। कह रहे सैलरी ड्यू हो रही है इस मंथ में नहीं हो रही। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सैलरी इस मंथ में ड्यू नहीं हो रही, सैलरी हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब सैलरी सेम मंथ में ड्यू नहीं हो रही, सैलरी हो रही है अगले महीने की 1 तारीख को। मतलब पता है क्या इसका मतलब? ये है अप्रैल की सैलरी मई में, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, जुलाई की सैलरी अगस्त में, अगस्त की सैलरी सितंबर में। इट मीन्स अगर अप्रैल की सैलरी होगी वो अप्रैल में ड्यू नहीं हो रही, वो ड्यू हो रही है मई में, मई की सैलरी जून में, जून की सैलरी जुलाई में, जुलाई की सैलरी अगस्त में। तो कह रहा है अब आप बता दो इस साल में सैलरी किस मंथ से लेकर किस मंथ तक टैक्सेबल होगी। तो अपने आप बोल देना जी, अपने आप बोल देना पिछले साल के मार्च की सैलरी, पिछले साल के मार्च की सैलरी क्या उस साल ड्यू हुई होगी या इस साल अप्रैल में ड्यू होगी? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मुझे इतना तो बता दो, पिछले साल के मार्च की सैलरी क्या पिछले साल मार्च में ड्यू हो चुकी होगी या अप्रैल में ड्यू होगी? अप्रैल में होगी ना सर, क्योंकि अगले महीने ड्यू होनी है। मतलब मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू होनी है, तो पिछले साल के मार्च की सैलरी इस साल के अप्रैल में आएगी, और इस साल के मार्च की सैलरी अगले साल अप्रैल में जाएगी। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? जब वो कह रहा है सैलरी सैलरी सेम मंथ में ड्यू नहीं हो रही, वो कह रहा है अगले महीने की 1 तारीख को हो रही है। मतलब अगर मेरी मार्च की सैलरी है तो वो सैलरी मार्च में ड्यू नहीं होगी, वो फर्स्ट अप्रैल को ड्यू होगी। और अगर मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू होगी तो सोच समझ के बोल देना जी। अगर मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू होगी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मार्च की सैलरी आपकी अप्रैल में ड्यू होगी तो इस साल जो हम सैलरी टैक्सेबल करेंगे क्या वो इस साल की अप्रैल से करेंगे या पिछले साल की मार्च से करेंगे? पिछले साल की मार्च से करेंगे, और इस साल का मार्च अगले साल जाएगा, तो इस साल फेब तक की सैलरी टैक्सेबल होगी। इस साल फेब तक की सैलरी टैक्सेबल होगी क्योंकि इस साल का मार्च इस साल टैक्सेबल नहीं होगा। तो देखो जी, हम सैलरी टैक्सेबल करेंगे मार्च 19 से लेकर फेब 2020 तक। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चा कह रहा है सर वाकई सर दिमाग की नसें खुल रही हैं, खुल रही हैं, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, लग रहा है प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिवीजन क्लास के देखो साथ के साथ करोगे ना, प्रैक्टिस जबरदस्त तरीके से होती रहेगी। अब देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, आज हमारा सैलरी खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर इतने जबरदस्त तरीके से हम खत्म कर चुके हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते सर। और अगर एक बार अभी टाइम दोबारा मिल गया, इंस्टीट्यूट ने टाइम दे दिया ना, तो पेपर पोस्टपोन हो गए। एक बार अगर दोबारा से रिवीजन कर लोगे ना, आपको इतना जबरदस्त मजबूत हो जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता जी। तो अगर टाइम मिले, अगर टाइम मिले दोबारा से फटाफट स्पीड फास्ट करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? कम से कम सर, कम से कम एग्जाम जाने से पहले 2 से 3 बार रिविजन करके जाना, तब मजा आएगा जी। आगे देखो जी, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो जी। अब अगर वी इज एंटाइटल टू चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 80 पर मंथ पर चाइल्ड है और 3 बच्चे हैं, आपने बोल दो रही, वो कह रहे हैं एग्जाम्ड कितना होगा जी। अब अगर 80, एक बच्चे को 80 मिला, एक बच्चे को 80 मिला, एक बच्चे को 80 मिला, एग्जाम्ड कितना होगा भैया? तीसरा तो होगा टैक्सेबल। अब 2 बच्चों में लिमिट होती है 100-100 की। अब अगर लिमिट 100-100 की है और अगर मिले ही 80-80 है तो एग्जाम्शन कितनी मिलेगी? 80 प्लस में 80 कितना मिलेगा? 160 पर मंथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एम्प्लॉई वॉज रिमबर्स 24,000 एज मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई हिम विच इंक्लूड 7,000 स्पेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल द टैक्सेबल परक्विजिट इन केस। अब सोच समझ के बोल देना जी। अब 24,000 पे टोटल मेडिकल खर्चा हुआ जिसमें 7,000 पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। अब अगर 7,000 पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुली एग्जम्प्ट होंगे, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल फुली एग्जम्प्ट होंगे तो 7,000 तो हो गया एग्जम्प्ट। अब अगर 24,000 में से 7,000 माइनस चले गए तो 17,000 पे जो बैलेंस बचेंगे ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। आपको मैंने पहले भी कहा था अगर इलाज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में होगा तब तो एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो भैया 17,000 पे हो गए पूरे टैक्सेबल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो जी फटाफट से। आपने अब चैट बॉक्स में लिखना जी, अब चैट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू एसपीएफ। हाँ जी, एसपीएफ वाले केस में बराबर से बोलो, प्रोविडेंट फंड एसपीएफ वाले केस में इंटरेस्ट क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है, तो क्या हो जाएगा जी? फुली एग्जम्प्ट, ऑप्शन नंबर ए। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। हाँ जी, अगर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया
याद करो, अगर एम्प्लॉयर ने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया तो सैलरी का 12% अगर है तो एग्जम्प्ट है, 12 से ऊपर वाला टैक्सेबल है, और 12% भी एग्जम्प्ट तब है अगर वो 7.5 लाख तक है। तो भैया ऑप्शन नंबर सी एग्जम्प्ट होगा 12% तक, बट एक लिमिट अब नहीं आ चुकी है 7.5 लाख की, वो ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखो जी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन यूआरपीएफ, अगर यूआरपीएफ में उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, अगर यूआरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो रिटायरमेंट के टाइम पर टैक्सेबल होगा, ड्यूरिंग जॉब नहीं होगा, रिटायरमेंट के टाइम पर होगा जी। तो यहाँ पे नाइदर एग्जम्प्ट और नो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये लो जी, ये आंसर आएगा जी। उसके बाद देखो जी, वो कह रहे हैं मिस्टर बी, मिस्टर पी इज एंटाइटल टू ए वॉचमैन अलाउंस, हनी वॉचमैन अलाउंस, आपने बोल देना वॉचमैन अलाउंस क्या होगा जी, वॉचमैन अलाउंस, क्या वॉचमैन अलाउंस हमने कहीं पर भी कवर किया था, जल्दी बोलो, क्या वॉचमैन अलाउंस हमने कहीं पर भी कवर किया था, नहीं कवर किया, और अगर कहीं पर भी कवर नहीं किया तो फुली टैक्सेबल होगा जी। तो कह रहे हैं टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा, फुली टैक्सेबल 600 का 600 हो जाएगा टैक्सेबल, क्योंकि वॉचमैन अलाउंस हमने कहीं पर भी कवर नहीं किया। उसके बाद देखो जी अगला, मिस्टर पी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है जी, ये क्वेश्चन एग्जाम का है, मिस्टर पी इज एंटाइटल टू रुपीज 8,000 पर मंथ एज मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ही स्पेंड 4,000 पर मंथ ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, 1,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट, हिज मेजर सन नॉट डिपेंडेंट, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, आपने बोल दो जी। मेडिकल अलाउंस हमने किसी भी कैटेगरी में कवर नहीं किया, और अगर मेडिकल अलाउंस कैटेगरी में कवर नहीं किया तो फुली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो कह रहे हैं एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी नील, क्योंकि मेडिकल अलाउंस कुछ एग्जम्प्ट होता ही नहीं है, और अगर मेडिकल अलाउंस एग्जम्प्ट ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। उसने पूछा एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मिलेगी जीरो, ये बात ध्यान देना चाहिए। बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एक एक नंबर के, नहीं विश्वास तो अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया जी, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी। कितने क्वेश्चन हमारे इसके और बचे हैं, अभी थोड़े से क्वेश्चन तो बचे हैं, अगले वाले के भी तो हैं कुछ क्वेश्चन। एक मिनट रुको, कहाँ गया, ये लो जी, ये कहाँ गया, ये लो जी, एक बार आप चेक करना, मिस्टर पी, हनी मिस्टर पी इज एम्प्लॉयड इन पीसी लिमिटेड एंड हिज वाइफ सफरिंग फ्रॉम ए क्रिटिकल डिजीज, द कंपनी हैज सेंट मिस्टर पी एंड मिसिज एस टू यूएसए, ठीक है, फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसिज एस, मिसिज पी आएगा यहां पे, द कंपनी हैज इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ मिसिज पी एंड स्टे आउटसाइड इंडिया ऑफ मिसिज पी एंड ऑफ मिस्टर पी अमाउंटिंग 17 लाख और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया 15 लाख रुपए, अपने बोल देना जी। अब अगर 17 लाख रुपए खर्चा किया, रिजर्व बैंक ने परमिट किया 15 लाख रुपए, तो भैया 15 लाख हो जाएंगे एग्जम्प्ट, 2 लाख हो गए टैक्सेबल। अब ट्रेवल खर्चा है 1.5 लाख रुपए, उसकी सैलरी उसकी है जी मिस्टर पी की 5 लाख, अब अपने बोल देना जी। अब अगर सैलरी 5 लाख है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो मैंने कहा था ट्रैवलिंग खर्चा डिपेंड करता है आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है। अब अगर ग्रोस टोटल इनकम आपकी 2 लाख से ऊपर होगी तो ट्रैवलिंग खर्चा टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 5 लाख है तो भैया ऑब्वियस बात है 2 लाख से ऊपर है तो ट्रैवलिंग खर्चा भी टैक्सेबल हो गया और 2 लाख वो भी हो गया, 3.5 लाख रुपये टैक्सेबल हो गया। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं दोबारा से आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ सर, मेडिकल फैसिलिटी वाले केस में, दोबारा बोलूंगा जी, मेडिकल फैसिलिटी वाले केस में याद करो मैंने कहा था अगर इलाज इंडिया से बाहर होगा तो वहां पे रहने वाला खर्चा और वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट खर्चा जो रिजर्व बैंक परमिट करेगा उतना एग्जम्प्ट होगा। अब अगर एक खर्चा 17 लाख रुपए हुआ, परमिट किया 15 लाख रुपए, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 2 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया। और ट्रेवलिंग खर्चा टैक्सेबल तब होगा अगर ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से ऊपर होगी। यहाँ पे 5 लाख सैलरी की इनकम है और अगर ट्रेवलिंग खर्चा 1.5 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल हो गया। तो 2 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया, 3.5 लाख, 3.5 लाख टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी मिस्टर पी, चेक करना जी, मिस्टर पी गेट सैलरी ऑफ 12,000 पर मंथ, इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है जी, एट पुणे, पॉपुलेशन है 20 लाख,
हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर, फेयर रेंटल वैल्यू है 1400 पर मंथ है, हाउस वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई को है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर पॉपुलेशन 20 लाख है तो मैंने कहा था अगर 10 लाख से ऊपर होगी और अगर 25 लाख तक होगी तो सैलरी का 10% टैक्सेबल होगा। अब अगर घर उसके खुद का है तो भैया 12,000 पर मंथ जुलाई, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए। तो अगर आप इसको 9 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 मल्टीप्लाई 9 कितना आ गया जी, 108,000 आ गया। 108,000 को अगर आप 10 से कर दोगे 10%, तो 10,800 रुपये, 10,800 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। बताओ था क्या सर, कुछ भी नहीं किया मैंने। याद करो आरएफए वाला ना, एक बार आरएफए वाला डायग्राम निकाल लेना, वहां पर था अगर घर खुद का होगा पॉपुलेशन 25 लाख तक होगी तो सैलरी का 10% टैक्सेबल करेंगे और कैलकुलेशन उतने महीने की करेंगे जितने महीने का बेनिफिट होगा। अब अगर घर आपने जुलाई में दिया, बेनिफिट 9 महीने का है, तो भैया 12,000 मल्टीप्लाई 9 10% निकालोगे, 10,800 रुपये टैक्सेबल आ जाएगा जी। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन था जी। उसके बाद देखो जी, अगला क्वेश्चन है जी, एम्प्लॉयर ने एक गाड़ी परचेज की 8 लाख की। याद करो मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वही क्वेश्चन आ गया जी। वो कह रहे हैं एम्प्लॉयर ने गाड़ी परचेज की 8 लाख की 2 साल 7 महीने, मतलब 2 साल 7 महीने पहले। दी कार इज सोल्ड टू द एम्प्लॉई 2,02,000 रुपए की, कह रहे टैक्सेबल की परक्विजिट कितना होगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है, गाड़ी वाले केस में 20% WDV मेथड कंप्लीट ईयर। दोबारा बोलो, गाड़ी वाले केस में 20% WDV मेथड कंप्लीट ईयर। अब यहां पे कंप्लीट ईयर कितने हैं, 2 साल 7 महीने हैं, तो कितने साल कंप्लीट है, नहीं 2 साल कंप्लीट है, तो अगर 8 लाख रुपए की गाड़ी है, पहले साल 20% डेप्रिसिएशन कितना हो गया जी, 1,60,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मिल गया। तो अगर 8 लाख में से 1,60,000 माइनस करूंगा तो 6,40,000 रुपए की मेरी बैलेंस वैल्यू बच गई, 6,40 की मेरी बैलेंस वैल्यू बच गई। अब 6,40 का 20% फिर निकालो डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया जी 1,28,000 रुपए। अब अगर इसमें से 6,40 माइनस कर दूंगा तो भैया गाड़ी की वैल्यू बचेगी 5,12,000 रुपए। अब अपने आप बोल रहे, नहीं अगर गाड़ी की वैल्यू 5,12,000 रुपए है, अब 5,12,000 की गाड़ी 2,02,000 में दे दी, एम्प्लॉयर ने 5,12,000 रुपए की गाड़ी 2,02,000 में दे दी, तो एम्प्लॉयर का बेनिफिट कितना हुआ, अगर मैं 2,02,000 माइनस करूंगा 3,10,000 रुपए का बेनिफिट हो गया, दैट इज टैक्सेबल परक्विजिट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहे हो राहुल का डाउट आ रहा है, राहुल कह रहा है सर यहां 6 महीने से ऊपर है तो क्या पूरा साल काउंट नहीं करेंगे। राहुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने ना मेरे काके, ना बिल्कुल भी नहीं पूछने। यहां पे सर कंप्लीट ईयर मींस कंप्लीट ईयर, यहां पे और पार्ट की तो बात ही नहीं है। अगर यहां 2 साल 11 महीने 29 दिन भी होता ना तो भी मैं 2 साल काउंट करता। मतलब ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में हमेशा कंप्लीट ईयर ही काउंट करोगे, बस ये पर ध्यान देना। और हर साल का 20% लगा दिया, अब जितनी वैल्यू हो गई डेप्रिशिएट वो मैंने माइनस कर दी, बैलेंस वैल्यू का आप चेक कर लो 2,02,000 की है, तो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल हो गया, काम खत्म हो गया जी। अगला क्वेश्चन देख लो कितना आसान है, गाड़ी परचेस की 8 लाख की परचेस की है 30 जून 2018 को, गाड़ी 30 जून 2018 को परचेस किया जी, और गाड़ी बेच दी है 6 लाख की बेच दी 10 जुलाई 2018 को। अब ये क्वेश्चन मैं करूंगा सर, क्या ये क्वेश्चन मैं करूंगा, पहले एक बात मुझे बताओ, एक बार सोच के बोलना जी, 30 जून 2018 को गाड़ी ली है और उसी साल मतलब 10 जुलाई 2018 को बेचती, तो ये तो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और अगर 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही नहीं। अब अगर 8 लाख की गाड़ी 6 लाख में, सर 8 लाख की गाड़ी 6 लाख में, तो 2 लाख का फायदा हो गया, 2,00,000 रुपए टैक्सेबल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहे हाय सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला, क्यों निकालूं सर, आप खुद चेक करो ना, कंप्लीट ईयर तो है ही नहीं, और अगर कंप्लीट ईयर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भैया 8 लाख की गाड़ी है 6 लाख में बेच दी है, बेनिफिट हो गया 2 लाख का, 2 लाख टैक्सेबल कर दो, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, 2 लाख का 2 लाख हो गया टैक्सेबल। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने कहा था मैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाले करवाऊंगा, ये देखो 2 क्वेश्चन आपके सामने आ गए, मैंने अपनी सारी कमिटमेंट पूरी की है सर, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जी। और अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हैं, आओ जी देख लो अगला। देखो जी वो कह रहे हैं
प्रीवियस ईयर 1920 मिस्टर पी सैलरी ले रहा है 2,80,000 रुपये और मिस्टर पी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉई आरपीएफ वो है 59,000। मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय एम्प्लॉयर, वो कह रहा है ग्रोस सैलरी बता दो। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर 2,80,000 रुपये है, 2,80,000 रुपये है, एम्प्लॉई ने वो कह रहे हैं एम्प्लॉई ने कॉन्ट्रीब्यूट किया 59 और सेम अमाउंट ही एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉयर ने भी कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया 59। अब हम ये चेक करना है कि जो एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट किया उसकी सैलरी के 12% से कितना ज्यादा है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मैरून कलर के बच्चों, एक बात बताओ, याद करो, आरपीएफ वाले केस में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के आरपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा अगर 12% तक है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 12 से ऊपर होगा फिर तो टैक्सेबल होगा ना। बच्चा कह रहा सर ऐसा कहां लिखा है कि एम्प्लॉयर ने भी सेम किया, लिखा था मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स जितना एम्प्लॉय ने किया सेम एम्प्लॉयर ने किया। तो अब एक बार ऐसा करते हैं, सैलरी 2,80,000 है, 280 का 12% निकालो कितना आ रहा है, 33,600। अपने बोल देना जी, अब 59,000 कॉन्ट्रीब्यूट किया उसमें से सैलरी का 12% आ रहा है 33,600। अगर ये माइनस कर दूंगा तो 59 मतलब क्या हो गया जी, 25,400 रुपए। इतना कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसा है जो 12% से ऊपर है। नहीं यार ये बात समझ में, सर एक बात बताओ, सैलरी का 12% एग्जम्प्ट होता है ना, तो अगर मैं इसका 12 निकालूंगा कितना का 33,600, उसने क्या 59, तो 59 में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो वो बैलेंस क्या बच गया 12% से ऊपर वाला, ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो अगर सैलरी में अब अगर 25,400 में टैक्सेबल कर दूंगा तो 3,05,400 ये आ जाएगा टैक्सेबल, ऑप्शन बी। उसने ग्रोस सैलरी मांगी है, अगर वो टैक्सेबल सैलरी मांगता तो 3,05,400 में से मैं 50,000 माइनस करता फिर आंसर आता 2,55,400, बट उसने मुझसे टैक्सेबल सैलरी मांगी है, सॉरी ग्रोस सैलरी मांगी है, तो ग्रोस सैलरी जो होगी आपकी ये वाली सैलरी निकल के आएगी जी, ठीक है। ये आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया 12% से ऊपर वो कर दिया टैक्सेबल। एक बच्चा कहता है सर एम्प्लॉय वाला तो टैक्सेबल किया ही नहीं, एम्प्लॉय वाला क्यों करेंगे, सर एम्प्लॉय वाला क्यों करेंगे जब ऑलरेडी मैं बेसिक सैलरी पूरी ले रहा हूं। आपने क्लास के अंदर पढ़ा था एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, टैक्सेबल मीन्स क्या कि जितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी वो पूरी लेनी पड़ेगी आपको, और जब ऑलरेडी मैं बेसिक सैलरी ले ही पूरी रहा हूं या तो आप क्या करो, आप में से कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे, वो क्या करते हैं 2,80,000 में से 59,000 माइनस कर देते हैं, फिर जो बैलेंस आता है उसमें कहते हैं सर टैक्सेबल 59 ऐड कर देते हैं। बात तो एक ही पड़ेगी सर, बात तो एक ही पड़ेगी, अगर 2,80,000 में से 59 माइनस करके दोबारा 59 अगर ऐड कर दिया बात तो एक ही है। तो अगर आपने बेसिक सैलरी पूरी ले ली, अगर आप बेसिक सैलरी पूरी ले चुके हो तो ऑलरेडी आप एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल कर चुके हो, तो गलती से दोबारा ऐड मत कर देना जी। कई नालायक बच्चे होंगे दोबारा ऐड करके आ रहते हैं जी, दोबारा ऐड मत करना। अगर बेसिक सैलरी पूरी ले चुके हो एम्प्लॉई वाला टैक्सेबल है, एम्प्लॉयर वाला जो है 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल कर दोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3,05,400 रुपए, ये हमारा टैक्सेबल हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारे हो गए हैं। अब ना इसके और भी क्वेश्चन हैं, वैसे मैंने टिक मार्क किए हुए हैं, अब ये एक बार आप खुद कर लेना इसके आंसर। ये वैसे सारी जितने मैंने टिक मार्क किए हुए ना ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े ये इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20-25 क्वेश्चन और हैं हमारे इसमें मेरे ख्याल से, तो उसमें हमारा कम से कम अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा, ठीक है। तो इसके आंसर ये आप खुद ट्राई कर लेना जी, इसके आंसर मैं अभी डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। अब इनमें से वैसे सारे आपने करने हैं, सारे करने हैं, बट अगर टिक मार्क वाले में से कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट अगर होगा तो मैं डाउट सेशन लूंगा, उसमें आपने पूछनी है जी, ठीक है। उसमें आपने जरूर पूछने, टिक मार्क वाले में से कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, टिक मार्क वाले तो आपने स्किप करके नहीं जाने, वैसे आपके सारे सोल्व हो जाएंगे जी, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं डाउट सेशन लूंगा, क्योंकि अब मेरे को डाउट सेशन ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके बहुत सारे डाउट्स आएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा डाउट सेशन भी लेने की, तो जो भी आपके इनमें डाउट्स होंगे आप मुझसे पूछ लेना जी, ठीक है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमारा वैसे 1 घंटा तो हो चुका है, ठीक है। मुझे लग रहा था कि हम 1.5 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, मैं तो कर देता, मुझे नहीं पता ना कि आप सामने कितने बच्चे करके आए, कितने बच्चे करके नहीं आए, ठीक है जी। अब आपने कुछ नहीं करना, इनके इस वाले ये वाला जो है सेट वन ऊपर, फिर मैंने सेट टू है ऊपर, सेट टू लग गया, एक मिनट रुकना,
ऊपर कौन सेट है? ओहो, अच्छा सेट टू लगा दिया मैंने ऊपर। ओके, हमने पहले सेट टू कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो सेट वन जो है उसके आंसर और सेट टू के सारे आंसर मैं एक बार आपके ग्रुप में डाल दूंगा। कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का हो आप उसमें देख लेना, आंसर मैच कर लेना, जहां जहां डाउट्स होंगे मुझे डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा मेरे ख्याल से आज हमने, मेरे ख्याल से कम भी नाना करते हुए मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन आज हमने किए हैं, तो एक बार आप गिन काउंट कर लेना और बताना कितने में से कितने सही हैं। मेरे ख्याल से नाना करते हुए हमने 40 क्वेश्चन तो किए हैं सर आज, 40-45 हो गए हैं, इतना मेरा दिल कह रहा है, बाकी मुझे नहीं पता, मैंने काउंट नहीं किए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखना वीडियो खत्म होने के बाद कि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं और आपके सही कितने हैं। अगर आपके 90% या उससे ऊपर नंबर आ रहे हैं इस टेस्ट के अंदर, इट मीन्स आप जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर नंबर आपके 70% से कम आ रहे हैं तो बहुत ध्यान देने वाली बात है जी, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे, कब करेंगे जी? अब हम करेंगे बाकी मुलाकात परसों, ठीक है। बाकी मुलाकात करेंगे परसों जी, कल प्रोफेशनल वालों का सेशन है क्योंकि उनका सेशन मैं ले नहीं पाया था, और करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की रिवीजन। और हाउस प्रॉपर्टी में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं इंटरेस्ट वाले, ठीक है, जहां बच्चा गलती करता ही करता है, तो बहुत ध्यान समझना, मैं सिंगल गलती भी आपके होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर ऑलमोस्ट 2 लेक्चर में रिवाइज हो जाएगा जी, कोशिश करेंगे 1 लेक्चर में रिवाइज करने की, बट मुझे आपके हालात लगते नहीं है, कोई बात नहीं, रिवीजन करेंगे बढ़िया से करेंगे, ताकि आपको ये लगे कि हाँ एक बार हमने पहले पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हमारी बढ़िया से हो रही है, ठीक है। और बाकी बस आपको पता है क्या करना है, जल्दी दिखा दिया करो मेरे को, हाथ ऐसे ऐसे करके दिखा दिया करो क्या करना है। बच्चा कह रहे ठोकने हैं, ठोकने हैं, लाइक ठोकने हैं सर, लाइक ठोकने हैं, हाँ लाइक ठोक देने हैं जी, ठीक है जी। और बाकी जो कुछ बच्चे हैं नालायक, उनको तो मैं वही बोलूंगा जो आपका काम करना है, आपने तो करना ही है, बट बाकी जो बच्चे प्यार करते हैं जरूर लाइक करके जाएं, शेयर करें हर बच्चे के साथ, ताकि हर बच्चे को पता लगे सर इंडिया में एक ऐसा चैनल होना चाहिए सीएस की फैमिली का, कि वाकई दूर से ना एक उनकी फ्रेगनेंस आए कि हाँ, कि हाँ भाई पूरी फैमिली एक साथ काम करती है, ठीक है। और बहुत जल्दी मेरे को तो था कि 1 लाख सब्सक्राइबर आप जल्दी कर दोगे, बट आपके ऊपर है जी वो तो, ठीक है। बाकी चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात करेंगे परसों हाउस प्रॉपर्टी रिवीजन के साथ। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और प्लीज अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, अपनी दुआओं में याद करो सर, और बस सबके लिए दुआ मांगो। थैंक यू सो मच यार वंस अगेन, जय हिंद जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी।